मंत्री जी का वक्तव्य, इनसे बड़ा भूमाफिया क्या मुजफ्फरपुर में कोई है? और जब ये विभाग के मंत्री बने हैं तो जबरदस्ती दाखिल खारिज उसका करवा लिया, अभी भी दूसरे की सरकार में मंत्री है, उस सरकार के मुख्यमंत्री और मुखिया ने ही स्थानांतरण और पदस्थापन पर रोक लगा दी है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है भ्रष्टाचार के। और जब मंत्री राम सूरत राय जी के विभाग में जो स्थानांतरण हुआ है और उसको मुख्यमंत्री जी ने रद्द किया है, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी पहले से ही जानते हैं कि किस तरह के किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये एक वार्ड मेंबर बनने लायक व्यक्ति नहीं, उसको शरद जी और नीतीश जी ने विधायक और मंत्री तक बनाने का काम किया था। शुरुआती दौर में ही जब इनको मेरे सांसद बनने के बाद जब टिकट देने की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि किसी कार्यकर्ता को लड़ाइए, उस समय मैं उसी पार्टी में था, मैं जानता था कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, जनता का प्रतिनिधि हो नहीं सकते, एक कुल मिलाकर के व्यापारी है और ऐसे व्यापारी जो एक का सौ सौ का लाख करोड़ करने वाले हैं। 15 साल पहले 10 साल पहले की इनकी संपत्ति और आज की संपत्ति मिलान कर लीजिए, जब से चुनावी राजनीति में आए हैं इनकी संपत्ति क्या रही है। दूसरी बात यह है कि शराब के मामले में भी जब बात आई, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब इनके घर से शराब बरामदगी हुई तो सदन में उठाने का काम किया तो ये गांधी मैदान में फरियाने की बात कर रहे थे। इससे पहले भी 1 साल पहले जब जून में स्थानांतरण हुए उसकी भी जांच किया जाए, जो विभाग में पदस्थापन और स्थानांतरण हुआ बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों की लूट हुई, जो बात छिपी नहीं है और यह बात विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक जानते हैं। ये तो ज्यादा समय हो गया कि अब दूसरी बार फिर अभी स्थानांतरण में अब मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाने का काम किया है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिनके बारे में सर्वविदित है कि जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य हो धन कमाना, चाहे जनता के लूट करके क्यों न हो, जहां से प्रतिनिधि है वहां भी इन्होंने लूट मचा रखी है और विभाग में भी लूट मचा रखी है, एक एक व्यक्ति जानता है। ऐसे व्यक्ति को तो एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने देना, मैं समझता हूं कि उस सरकार के साख को तार तार करना है। और नेता प्रतिपक्ष ने जब शराब के मामले में आवाज उठाई थी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उसी वक्त मुख्यमंत्री जी को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए कि जिसके घर से शराब की बरामदगी हो गई हो और मंत्री पद पर बैठा हुआ है। तो मैं कुल मिलाकर के बताना चाहता हूं बिहार की जनता को और आए जहां से प्रतिनिधि हैं कि इस तरह के बोझ को बहन करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। हम लोग भी सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा पाया, उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि बने, मेरे सांसद बनने के बाद उपचुनाव में इनको पार्टी ने दिया, फिर इनका जब बीजेपी में सीट करके इनको टिकट दिया, तो जो इनके पोषक हैं, जो इनको संरक्षण देने वाले हैं, अब क्या मामला है भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता इनको संरक्षण देकर के मंत्री बनाए, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं। तो जो कहीं पहुंचाने का काम करता है तो जनता से लूटेगा, और जो ईमानदार रहेगा वो कहीं पहुंचाएगा नहीं। तो ये तो पूरी जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग को मंत्री बनाने का काम करता है, टिकट देने का काम करता है और साफ सुथरी छवि की बात करता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे ऐसे व्यक्ति को तो राजनीति से बाहर किया जाना चाहिए, जनता को कर देना चाहिए। नहीं हुए है बाहर तो अगली बार हम बाहर करवा देंगे, क्योंकि जो औराई है हमने खून पसीने पर उसको सींचा था, पार्लियामेंट में चला गया, इसके बाद से इनको मौका मिल गया, लेकिन वहां की जनता त्राही माम में है, वहां से भी इनकी विदाई हो जाएगी। इसलिए बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि सरकार में कैसे कैसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और शराब माफियागिरी करने के इतने आरोप होने के बावजूद सरकार में बने रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो कोई भी रहता है कितना भी करप्शन कर ले, भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो दूध का धोया हो जाता है। इस शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।
कर ले भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो दूध का धोया हो जाता है। और दूसरे को भू माफिया कहते हैं, हमने अभी सुना है मंत्री जी का वक्तव्य, इनसे बड़ा भू माफिया क्या मुजफ्फरपुर में कोई है? रुनी सैदपुर में, सीतामढ़ी के रुनी सैदपुर में एक जमीन है लगभग 4 डिसमिल के आसपास, जिला पदाधिकारी ने पहले से रोक लगा रखा है उसकी बिक्री की, उसके बाद इन्होंने उस जमीन को खरीद ली, मतलब सरकार के आदेश के बाद उस जमीन की खरीद कर ली, जिसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा था लंबे समय तक, और जब ये विभाग के मंत्री बने हैं तो जबरदस्ती दाखिल खारिज उसका करवा लिया, अभी भी दूसरे के कब्जे में है। तो इनका एक से एक इतिहास है, कितनी जमीन, स्कूल एक जाली स्कूल इन्होंने खोला, उस स्कूल पर छापे पड़ी थी, तो इनके पीछे कोई नहीं लगा है, इनके जीवन में धन के अलावा कुछ नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी है इनके ऊपर आका है, जिनको ये अवलाइज करते हैं इनको टिकट मिलता है और उससे मंत्री बनते हैं, तो इससे तो जनता को समझना चाहिए और सरकार के मुखिया को भी समझना चाहिए, विपक्ष की बात इन्हें नागवार नहीं गुजरता है। अब तो जिस सरकार में मंत्री है उस सरकार के मुख्यमंत्री और मुखिया ने ही स्थानांतरण और पदस्थापन पर रोक लगा दी है, इसे बड़ा प्रमाण क्या है भ्रष्टाचार के, और जब भ्रष्टाचार के प्रमाण मुख्यमंत्री के नजीक जी का वक्तव्य, इनसे बड़ा भू माफिया क्या मुजफ्फरपुर में कोई है? रुनी सैदपुर में, सीतामढ़ी के रुनी सैदपुर में एक जमीन है लगभग 4 डिसमिल के आसपास, जिला पदाधिकारी ने पहले से रोक लगा रखा है उसकी बिक्री की, उसके बाद इन्होंने उस जमीन को खरीद ली, मतलब सरकार के आदेश के बाद उस जमीन की खरीद कर ली, जिसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा था लंबे समय तक, और जब ये विभाग के मंत्री बने हैं तो जबरदस्ती दाखिल खारिज उसका करवा लिया, अभी भी दूसरे के कब्जे में है। तो इनका एक से एक इतिहास है, कितने जमीन, स्कूल एक जाली स्कूल इन्होंने खोला, उस स्कूल पर छापे पड़ी थी, तो इनके पीछे कोई नहीं लगा है, इनके जीवन में धन के अलावा कुछ नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी है इनके ऊपर आका है, जिनको ये अवलाइज करते हैं इनको टिकट मिलता है और उससे मंत्री बनते हैं, तो इससे तो जनता को समझना चाहिए और सरकार के मुखिया को भी समझना चाहिए, विपक्ष की बात इन्हें नागवार नहीं गुजरता है। अब तो जिस सरकार में मंत्री है उस सरकार के मुख्यमंत्री और मुखिया ने ही स्थानांतरण और पदस्थापन पर रोक लगा दी है, इसे बड़ा प्रमाण क्या है भ्रष्टाचार के, और जब भ्रष्टाचार के प्रमाण मुख्यमंत्री के नजर में आ जाए, उनके कैबिनेट में कोई मंत्री रहे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी।